हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरफान सबीरा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:45। तो हमारा नाश्ता करके हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा काम बाकी है, वो करने के बाद नहा लूँगी, बच्चों को भी नहला दूँगी। और आयन का भी 11:00 से क्लास स्टार्ट होगा। आज तो ट्यूसडे है, तो आज आयन का 2 क्लास है। और देखते हैं क्या होता है, बने रहिए आगे तक। और अगर आप लोग को हमारा व्लॉग्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। तो आज इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ मेरा जिम और मेरे जिम का सेशन 1 घंटे का, जिसमें बहुत कसरत की है। आज जो वर्कआउट मैंने किया है वो है शोल्डर का। तो शोल्डर के वर्कआउट में आप देख सकते हैं पूरा जिम अभी खाली है, तो काफ़ी टाइम मिलता है और इक्विपमेंट्स फ्री रहते हैं। और अब जिम करने के बाद घर वापस जाने की तैयारी हो रही है, बहुत वर्कआउट किया है तो थकान भी बहुत है। तो होपफुली ये जो जिम का आप सेटअप देख रहे हैं, इससे पता चल रहा है कितनी सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं जिम जब खुला रहता है, ताकि हर किसी को जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मिलें और साथ में सेफ्टी बनी रहे। तो आपको मैं और बताऊंगा अपनी वीडियो में जिम के बारे में। वो आज के दोपहर के लंच में था रोटी सांभर और चिकन, बच्चों के लिए चावल बनाया था। आ रहे हैं बाइक को पार्क करके और नया यहाँ पर खेल रही है, आयन साइकिल चला रहा है। इन्होंने बाइक को पार्क कर दिया है वहाँ पे, क्योंकि ये साइड में कुछ काम चल रहा है BBMC का, सॉरी BBMC नहीं BBMP। और इनका काम स्टार्ट हो गया है, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। तो आयन ने इनाया का साइकिल निकाला है बाहर, तो अभी इनाया साइकिल चलाएगी थोड़ी देर। बनाने वाली हूँ, यहाँ पे रख दिया दूध को गर्म होने के लिए, बच्चों के लिए, हमारे चाय के लिए। थोड़ा सा दूध गर्म हो गया है, और BBMP का काम चल रहा है ना, इसकी वजह से आवाज आ रहे है। अदरक डालूंगी, पहले धो लेती हूँ। छिलके के साथ ही डालूंगी, अच्छे से धो लिया है। नारियल लेके आए थे ये डोसा के साथ खाने के लिए, चटनी के लिए, पर आज नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी।
तो यहाँ पे हमारा चाय और बिस्किट रेडी है। मलाई का पनीर दोनों को दिखा देती हूँ। चाय गर्म है। इना ऐसे ही पीछे पीछे भागती रहती है। क्या है वो इना? हाँ, क्या है वो? टमेटो। क्या है? टमेटो। क्या कलर है? ब्लू कलर। हाँ, रेड। गुड गर्ल। हाँ, येलो। ब्लू। गुड गर्ल। द थ्री फंक्शन ऑफ द स्टेम आर, इट होल्ड्स द प्लांट स्ट्रेट, इट बेयर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स, दे कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, दे कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। द थ्री फंक्शन ऑफ द स्टेम आर, दे होल्ड द प्लांट स्ट्रेट, tubules, branches, leaves, flowers, and buds. They carry water and nutrients from roots to leaves. Mint plant, coriander plant, ginger plant, eagle. Feeding plant, feeding. Pigeon. Pigeon. Ladybug. Rabbit. Mention three functions of the stem. The three functions of the stem are, it holds the plant straight, it bears the branches, flowers, and buds. Leaves. It carries water and nutrients from roots to leaves. Name any five medicinal plants. Coriander plant. Fennel plant. Fennel plant. Fennec plant. Fenugreek plant. Fenugreek. Fenugreek plant. Answer. Ginger plant. And grass. Grass. Mint plant. Mint plant.
तो ये दोनों खेल रहे हैं, साथ में झगड़ा भी कर रहे हैं दोनों। देखिए किचन से सब बर्तन लेके आके रखे वो क्या करते हैं, और डंपर को उल्टा करके रखा है दोनों। इनके पास जितने भी खिलौने दे रहे हैं ना कम होता है, किचन से लेके ही खेलते हैं ना, तभी उनको शांति मिलता है दोनों को। इनका काम चल रहा है तो अभी हो रहा है 7:45। अभी ये थोड़ी देर बाद ब्रेक लेंगे 5 मिनट्स बाद, अभी कॉल पे बिजी है। डेली एक मीटिंग रहता है 7:30 को, उस मीटिंग में ही बिजी है अभी। और ये देखिए मुझे खाना खिला रही है। क्या बनाया है इन्हें खाने में? चिकन बनाया है। मुंह पे मत डालो। आयन को गुस्सा आ रहा है क्योंकि आयन ने इसका कुछ खिलौना ले लिया है। अभी पढ़ के उठा है, मंडे से इसका हाफ ईयरली एग्जाम है, तो आप सब लोग इसके लिए दुआ कीजिए कि इसका एग्जाम अच्छे से हो जाए। ये ध्यान से पढ़े, अपने मन लगा के पढ़े। आयन अब बड़े होके क्या बनोगे? पायलट बनोगे? क्या चलाओगे पायलट बनके? प्लेन। ओ हमें बिठाओगे? ये दोनों खाने में बिजी है और साथ में कार्टून देख रहे हैं। ये दोनों खा रहे हैं ब्राउन चना और हम दोनों लंच में लगाया है अपने फेस पे फेस पैक, साथ में ये काम में भी बिजी है। एक बार देखो तो आज हमने लगाया है मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है लगाने के लिए, पर मैं फोर्स करके लगा देती हूँ। हर रोज नहीं लगाते, कभी कभार लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए अभी, तो यहाँ पे मैं अभी धोऊंगी बर्तन। दरअसल ये मैंने फेसियल बनाया था जो घर में ही कर सकते हैं आप लोग। इसको मैंने दूसरा चैनल के लिए शूट किया था तो अभी लगा हुआ है वही, और थोड़ा सा है शूट करना, मतलब ख़त्म ये धोने के बाद का रिजल्ट का, बाकी तो हो गया है और एडिटिंग करना है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है देखने में तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी जाके देख सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं दूसरे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। मैंने ब्यूटी टिप्स का जो वीडियो बनाया था बेडरूम में ही सेटअप थोड़ा सा बना दिया था, और ये मेरे पास अभी आ गई है इनाया, इसको भी वीडियो में आना है। तो मैंने चलो साथ ठीक है हमारे ब्लॉग्स वीडियो में आ जाओ। तो ये आ गई है, टीवी देख रही थी। भाईजान क्या कर रहे बोलो, भाईजान कहाँ है? भाईजान टीवी देख रहे हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट में, तो आप लोग कैसे हैं? और मैंने जो फेस पैक लगाया था उसमें सिर्फ मुल्तानी मिट्टी नहीं है, और भी कुछ चीज़ें हैं। तो देखने के लिए, आपको जानने के लिए मेरे दूसरे चैनल पे जाके वीडियो को देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। पूरा वीडियो देखिए तभी आपको पता चलेगा। प्यारी परी है हमारी, परी क्या है ये हमारी परी। पूछो इनके पास मेरी हेयरबैंड कैसी लग रही है आप लोगों को। और एक था इसके पास ऐसा ही सेम, सिर्फ कलर थोड़ा डिफरेंस था, वो थोड़ा सा लाइट कलर में था, अच्छा था, पता नहीं कहाँ घुमा दिया उसने। और परसों तो उसने दो हेयरबैंड मतलब एक तो बाइक में हम लोग गए थे ना तभी उड़ के गया कहीं पे, कहाँ गया पता नहीं चला। और एक आने के बाद हम लोग वैसे ही वीडियो बना रहे थे तो इसने तोड़ दिया हाथ से ही। तो यहाँ पे आयन और इनाया सो गया है, अभी हम लोग भी सोएंगे थोड़ी देर बाद। इनका काम चल रहा है अभी, तो इनका काम ख़त्म होते ही हम लोग भी जाएंगे सोने के लिए। आयन और इनाया तो सो गए, इनाया सोई 11:30, आयन सोया 12:00, और अभी हो रहा है 1:30। हम लोग जाएंगे 2:00 सोने के लिए।
तो ये अभी काम कर रहे हैं, जाएंगे थोड़ी देर बाद सोने के लिए। बहुत सारा काम है, दिमाग खराब पड़ा हुआ है, इतना काम है मतलब। तो मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।